फेस्टिवल के टाइम लोग ज्यादातर गोल्ड खरीदते हैं क्योंकि शुभ माना जाता है। और अगर आप भी ऐसा ही कुछ प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ सालों में गोल्ड कितना चढ़ा और कितना गिरा। फिलहाल गोल्ड का रेट है 24 कैरेट 10 ग्राम का 60,824 रुपए। इससे पिछले साल दिवाली पर यानी 2022 में यही दाम था 51,450 रुपए। इससे पिछले साल की दिवाली पर यानी 2021 की दिवाली में इसका रेट था 50,900 रुपए। और अगर इससे पिछले साल वाली दिवाली पे चले जाएं यानी 2020 की दिवाली पे, तो यही रेट था 50,277 रुपए का। इससे साफ पता चल रहा होगा कि हर साल दिवाली पे सोने के दाम सिर्फ बढ़ रहे हैं। ऐसे में आप लेने जाओगे तो क्या लोगे? ज्वेलरी, राइट? यही करते हैं 70% लोग, और एक्स्ट्रा चार्जेस की झंझट में फंस जाते हैं। क्यों भाई, 12% का मेकिंग चार्ज कौन जोड़ेगा इस पर? लेकिन अगर मैं कहूँ कि बिना मेकिंग चार्ज के भी आप गोल्ड ले सकते हैं और जो सिर्फ एप्रिशिएट करेगा यानी बढ़ेगा, घटेगा नहीं, फिर इसके लिए आपको न्यू एज ऑफ इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लोर करना होगा, जैसे गोल्ड ETFs। कई सारे बैंक्स गोल्ड ETFs की स्कीम रखते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 99.5% प्योर गोल्ड बार्स होते हैं जो मार्केट के गोल्ड प्राइस पे ट्रेड करते हैं। फिलहाल गोल्डमैन सैच फिजिकल गोल्ड ETF बेस्ट परफॉर्मिंग गोल्ड ETF है विद अ रिटर्न ऑफ अप्रॉक्स 11.10%। नंबर दो पे आता है डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड यानी वो गोल्ड इन्वेस्टमेंट जो हम डिफरेंट पेमेंट गेटवेज के थ्रू करते हैं, जैसे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, और कई बैंक्स भी हैं जो ये सुविधा देते हैं हमें। नंबर तीन पे आते हैं गोल्ड फंड्स। आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें फिजिकल गोल्ड भी शामिल हो सकता है और गोल्ड माइनिंग कंपनियों के शेयर भी। एक्सिस गोल्ड फंड इस टाइम का टॉप गोल्ड फंड है विद अ रिटर्न ऑफ अप्रॉक्स 11.03% पर एनम। नंबर चार पर आता है गोल्ड सेविंग स्कीम्स। इसमें आप एक स्मॉल अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किसी ज्वेलर के पास हर महीने करवा सकते हैं, एंड जब आपका टेन्योर पूरा हो जाएगा तो एक सम अप अमाउंट से आप गोल्ड खरीद सकते हैं। तनिष्क गोल्ड हार्वेस्ट स्कीम, कल्याण ज्वेलर्स गोल्ड स्कीम, मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट बाय स्कीम, ICICI गोल्ड मोनिटाइजेशन स्कीम काफी फेमस है विद एन एवरेज रिटर्न ऑफ अप्रॉक्स 11%। नंबर पांच और आखिर में आता है सोवरीन गोल्ड बॉन्ड। ये सरकारी बॉन्ड्स होते हैं जो साल में सिर्फ दो बार खुलते हैं और इनका ब्याज 2.5% सालाना फिक्स्ड होता है जो कि मैच्योरिटी पे ही मिलता है। अब आपको पता ही चल गया होगा कि क्या करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है। ऐसे ही काम के वीडियोस के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देके जाइएगा। थैंक यू।